नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो आपको बेल आइकन भी दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी सब वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो और मेरी वीडियो द्वारा आपको जानकारी भी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे 29 सितंबर 2019 से जो कि नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये 9 दिन तक चलने वाले जो नौरात्र हैं, इसमें क्या करना है, आपको कैसे पूजा विधि कलश स्थापना करनी है, इन सब बातों की जानकारी आज आपको दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो देखिए, जो इस बार कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है 29 तारीख को अश्विनी प्रतिपदा तिथि को, वो सुबह 6:16 से शुरू हो रहा है और सुबह 6:16 से लेकर 7:45 तक रहेगा। तो ये काफ़ी शुभ मुहूर्त है। यूँ तो लोग 11-12 बजे तक या 1 बजे तक स्थापना करते हैं, इसके बाद भी आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त पड़ रहा है वो सुबह 6:16 से लेकर शाम दोपहर सॉरी 7:40 तक का है सुबह, लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के नहा धोके साफ़ सुथरे कपड़े पहने और उसके बाद व्रत का संग कर लें। कलश स्थापना के दौरान आप थोड़ी ऊँची वेदी बनाकर वहाँ जौ को बो दें और कलश की स्थापना करें। कलश में आप जल रखें, गंगा जल को रख लें और देवी की प्रतिमा लाल कपड़े में रखें और नारियल रखें और उसके बाद पूजन करें। और दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि इसका पाठ तो किया ही जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप कलश की जगह पर जहाँ कलश आप स्थापित करेंगे वहाँ 9 दिन तक अखंड ज्योत जलनी भी अनिवार्य है, तभी ये पूजन पूरा होता है। जो 9 दिन तक आप अखंड ज्योत जलाएंगे उसके द्वारा ही पूजन पूर्ण रूप से माना जाता है। फिर 9वें दिन हवन करके प्रसाद बांट दिया जाता है। तो इसके लिए जैसे आपको बताया गया है तो 29 सितंबर को जो पहला नौरात्र है उसमें कलश की स्थापना होगी और माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर को जो दूसरा दिन है उस दिन माता ब्रह्मचंडी की पूजा होगी। 1 अक्टूबर को तीसरा दिन पड़ेगा, तीसरा नौरात्र, तो माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। 2 अक्टूबर को चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा। 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि है, पाँचवा नौरता तो स्कंद माता की। 4 अक्टूबर को छठा दिन होगा माता कात्यायनी की। 5 अक्टूबर को 7वां दिन है कालरात्रि की। 6 अक्टूबर को 8वां दिन माता महागौरी की होगी और दुर्गाष्टमी भी है उस दिन। 7 अक्टूबर को 9वां दिन होगा और नवमी का हवन भी उस दिन है और माता सिद्धिदात्री की। तो 9वें दिन आप सब पूर्ण रूप से पूजा करके प्रसाद बांट के अपने व्रत पूरे कर लीजिए और ये 9 दिन पूरे होने के बाद आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। जब आप इस पूजन को कर लेंगे तो आपको भी लाभ प्राप्त होगा। और 10वें दिन जो कि 8 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, 10वें दिन माता दुर्गा की विदाई और मूर्ति विसर्जन होता है। तो नौरातों के व्रत पूजा के लिए जो है आपको विशेष तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि जब आप कलश स्थापना करें तो धूप दीप मौली कपूर माता की मूर्ति तस्वीर गाय का घी शहद शक्कर लाल चुनरी फल आदि की व्यवस्था भी आपको करनी होती है। ये त्यौहार जो है काफ़ी महत्व रखता है अपना और काफ़ी विधि विधान से ये सभी हिंदू धर्म मनाया जाता है। 9 दिन तक उपवास रखने का काफ़ी महत्व है। कुछ लोग स्थापना करके माता दुर्गा की 9 दिन तक पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं और इसे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ देश के हर कोने में मनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा पर्व है नौरातों का, जो कि 9 दिन तक के सभी उपवास रखते हैं और अखंड ज्योत घर में जो जलाई जाती है उससे काफ़ी लाभ प्राप्त आप भी कर सकते हैं यदि ये पूजा नियमित रूप से आप 9 दिन तक करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मैंने बताया आपको वो तो आपको नियमित रूप से करना है और जो 9 देवियों की पूजा है ये भी आपको करनी है। इन सब की रोज़ 1 देवी की पूजा नियम से करें आप। इसके अलावा भी
तो जो ये नौ देवी के बारे में मैंने आपको बताया है, इनकी पूजा काफ़ी महत्व रखती है। आज आप सभी ने जाना नवरात्रों के बारे में, जो नवरात्रे 29 सितंबर शुरू हो रहे हैं और जो कि ये 7 अक्टूबर तक चले गए। मेरी और वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो साइड में बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक करें, ताकि मेरी सभी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और आपके लिए आगे भी नई वीडियो में लेके आता रहूँ और इससे जुड़ी हुई नई नई जानकारी भी आप प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।